कमाल राजा, तेरे लिए दूध लाई हूँ, लेना। अरे बड़ी मेहरबानी, आज बिना मांगे दूध का ग्लास। वो क्या है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कल रात मैंने सपना देखा। वो तो उसमें कौन सी नई बात है, सपने तो रोज ही देखती है। अरे जाजा, तुझे क्या पता, कल रात जो सपना देखा ना मैंने, वो उसमें मैं वो तू। वो क्या, सपने में तूने अपने सपनों का राजकुमार देखा होगा और क्या। अरे तू चिंता मत कर, मैं बाबा से आज ही तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। देर हो रही, मुझे चलता हूँ। अरे सुन, ये गया हुजूर, एक मामूली साहब का प्यादा। भाई डॉक्टर आनंद जी, क्या हाल चाल है आपके साहबजादे का अमेरिका में? फर्स्ट क्लास, अगले हफ्ते आ रहा है, गोल्ड मेडल हासिल किया है डॉक्टरी में। डॉक्टर आपकी तरह जाहिल नहीं है। और आपने कौन सा तीर मार लिया है आज तक? क्यों, कम से कम डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान। अरे भाई तुम डॉक्टर हो तो हम है राय साहब, राय बहादुर। पापा, पापा क्या बात है, काहे को शोर मचा रही हो? आप धीमी आवाज में सुनते कहां है पापा? बहुत सही पहचान आपने बाप को बेटी, नहीं ये धीमी आवाज में सुनता है न धीमी आवाज में बोलता है। देखो बरखुरदार, ये बेटी और बाप का आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मगर इस वक्त बेटी की तेवर बदले, इसलिए मेरा बीच में बोलना बहुत जरूरी। क्या बात है बेटी? अब अंकल देखिए ना, दीदी को शॉपिंग के लिए जाना है और घर में एक गाड़ी भी नहीं है। क्यों क्यों, चार चार गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं। क्या करें हम आपकी चार चार गाड़ियों का, एक भी उनमें से नहीं चलती। हंस क्यों रहे हैं आप, आजकल अच्छे मैकेनिक मिलते हैं। मैकेनिक मिलते हैं मगर 1857 की गाड़ियों के नहीं मिलते हैं। इतनी पुरानी गाड़ियों से क्या मैकेनिक अपना सर फोड़ेगा? 1857 की गाड़ियां गाड़ियां नहीं होती। होती हैं मगर वो शमशान घाट में होती हैं, घर में नहीं होती हैं। अरे कंजूसी छोड़ कमबख्त, बेटी को नई गाड़ी खरीद के दे। तू जब भी यहाँ आता है खर्चा करवा के जाता है। चल खेल खेल, ये संभाल अपने वजीर को। इतना वजीर गया, ये वजीर नहीं आती है। अच्छा बेटी तू एक काम करिए, मेरी गाड़ी की चाबी ले जा। तो फिर आप क्या करेंगे? अरे मैं अपने आप को संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर अगले हफ्ते तक तुम्हारे पापा ने तुम्हें नई गाड़ी नहीं दिलाई तो फिर हमारी दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी। उंगली क्या दिखा रहा है, जा बेटी जा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। बिगाड़ बिगाड़ और बिगाड़, लड़की को पहले से बिगड़ी हुई है इतनी, अब हंस क्या रहे हो? एक काम करो, फोन करके किसी अच्छे मैकेनिक को बुला दो। इन्हें 1857 की मैकेनिक को अभी बुला दो। ये हेलो, अरे यार ये गैराज कम, म्यूजिक कंपनी ज्यादा लग रही है। क्या बोला? अरे बहुत बास आता जी, हॉस्पिटल का कौन बोलता तुम? मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। अयो डॉक्टर साहब, कैसे जी आप? अरे मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बात सुनो। वो अपने राजा उसको राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी पे भेज। बेचता जी बेचता, उधर ही बेचता। कदा कहीं का लो, सॉल्व होगी तुम्हारी प्रॉब्लम। खुश? हाँ तो डॉक्टर आनंद, यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से मारुति के शोरूम में जाऊंगा और पूनम बेटी के लिए फर्स्ट क्लास गाड़ी खरीदूंगा। यानी कि तुम हमारा खर्चा करवा के ही रहोगे 100%। डॉक्टर साहब, अरे राजा। नमस्ते जी। अरे राय साहब, ये राजा है। नमस्ते जी सर। ये गाड़ियों का डॉक्टर है, एक बार इससे रिश्ता जोड़ोगे ना तो उसने की बात तोड़ नहीं पाओगे, ये जादूगर है जादूगर। छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपको हर इंसान अच्छा नजर आता है। नहीं ऐसी बात नहीं। वैसे गाड़ी कहाँ है जी? गाड़ी ड्राइवर, गाड़ी दिखाओ इसे। जी सर। चलो यार, तुम छोटे लोगों को बहुत मुंह लगाते हो। राय बहादुर, अहंकार के पिंजरे से बाहर आके देखो, दुनिया की हर चीज तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आएगी। कोशिश करके देखो। लो, ये तो पंचर हो गया, अब क्या करें? ओफो, उषा हमारे वेट करती होगी। ये क्या कर? आहो, ये तेरा तबला बजा। तबला बजाऊंगा तो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ वो आता। हे अन्ना, ये मेरा तबला कौन बजाया जी? अरे क्या हुआ ना? ये देखो जी, ये देखो राजा, कार्पेटर में कचरा। एक मिनट का हमारा तो प्रोग्राम ही बिगड़ जाएगा। अन्ना, वो लड़की जिसे लिफ्ट दी थी, वो तुम्हारा चांद सितारा। हाँ ना, राजा जाके मिलना उसको। कैसे मिलूं अन्ना, ऐसे कपड़ों में देखेगी तुम? मैं तो बहुत डेंगे मारी थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत। अन्ना
अन्ना मुझे गैराज की चाबी दे। मैं चाबी नहीं देता। अन्ना गैराज की चाबी तेरा इज्जत का सवाल है, तेरा इज्जत का। मेरे इज्जत? हाँ। तुम रखना मेरे इज्जत। ये लो चाबी। बिल्कुल ना, बिल्कुल। जब तक मैं नहीं आता ना, उसे बिजी रखना। अरे मत बोलो, ना कर क्या? हाँ ना। ये अम्मा। अब क्या करें? ये अम्मा, ये देवी, आप दोनों बहुत परेशान। कुछ गड़बड़ क्या? जी हाँ, हमारी गाड़ी पंक्चर है। पंक्चर? अयो, ये गाड़ी का बहुत पुराना आदत है, एक बार हवा निकला तो हमेशा निकलते रहता। जी आप परवाह नहीं करना, हम सब ठीक कर देंगे। आप? हाँ, हम मैकेनिक जी। आप मेरे गैरेज का नाम नहीं सुना? अन्ना गैरेज, मैं उसका मालिक। आपका घर में जैक है क्या? जी? और जी मतलब ये है कि आपकी गड्डी में जैक है? है ना, अभी देती हूँ। अरे आप क्यों देते जी? आप चाह भी देना, हम सब करता। आना आना। ओफो, इतनी सारी शॉपिंग करनी और गाड़ी अभी तक रिपेयर नहीं हुई। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? टायर तो पीछे का पंचर हुआ है, आगे का नहीं। अय्या, आज पीछे का टायर पंचर, कल आगे का टायर पंचर, हम कल का काम आज करता जी। अजीब आदमी है आप। अयो, आप नाराज नहीं होना देवी। आप बोलता तो मैं आगे का टायर छोड़ के पीछे के टायर पे जाता। अरे आजा रे, टायर ने तेरे को पुकारा, दोस्ती ने मेरे को मारा, आजा मेरे यार। अरे खैर तो है ये आपकी तारीफ। जी मैं, ये मेरी मालकिन है। हाँ। इन्हीं के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ राजा। अच्छा अच्छा राजा। इन्होंने उस रात बारिश में मुझे लिफ्ट दी। जी आपको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी जी, मेरा मतलब है कि पूनम आपकी तारीफ कर रही थी। ये तो पूनम जी की जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। खानदानी मैकेनिक जी, सब जानते हैं कि तुम मैकेनिक हो, इसे बोलने की क्या जरूरत है, जा अपना काम करो। मेरे ख्याल से गाड़ी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, तो आइए मैं आपको कहीं छोड़ूं। गाड़ी तैयार जी। अरे गाड़ी तैयार 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 बोलता है, ये डिक्की अभी तक खुली है, तुम तैयार बोलता है? ये डिक्की बंद करो जी। छोटा मैकेनिक, कितने पैसे हुए आपके? क्या बात करें, पैसे मैं हूँ ना, मैं हूँ, इनके क्या पैसे होंगे, मैं हूँ। ओहो, ये सेक्रेटरी लोग भी सब 100-100 के नोट रख देते हैं, छोटा नोट है ही नहीं, देखो ना। ये संभाल के निकालना जी, नोट पुरना हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो चाय भी लेना। क्या पी लेना? अच्छा हम चलते हैं। ओके बाय। क्या है मैकेनिक कि तुम छोटे लोग हो, हम बड़ों की बराबरी मत किया करो, समझे? मुझे माफ कर दे। हाथ नहीं लगाना। अन्ना मुझसे गलती हो गई। आदमी के सामने तू मेरे को डांटा। अन्ना मुझे माफ कर देना। नहीं माफ करेगा जी, 50 रुपए देके मेरे को बोलता जाके चाय पियो। मेरे पैसे वापस कर दे प्लीज। नहीं देगा। अन्ना मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ भी होने दो। अन्ना मुझे माफ कर देना। बेटा, अन्ना वो मेरी लव थी ना। लव? ये राजा, अपना हरकत से तुम बाज आ जा, वरना जब बात आगे बढ़ेगा तो अपना सर पकड़ेगा। अन्ना अन्ना अन्ना, जो कुछ होगा देखा जाएगा, फिलहाल तुम मुझे ये 50 दे देना। क्यों राजा, कौन सी राग रागड़ियों में खो गया? अरे उस्ताद जी, आपको ये राग समझ में नहीं आएगा। अच्छा? हाँ। अरे मैंने दुनिया को राग दे दे के पता नहीं कितने तबले फोड़ दिए, तू मनोवी राग दे रहे हैं। राजा हाँ। ये गाड़ी काबू में नहीं आ रही है। अरे किस दिन तेर से गाड़ी काबू में आई है, पता नहीं अन्ना ने भी कैसे लोंग पाल के रखे। आया आया। हाँ चल बोल, क्या बात है? राजा आधे घंटे से परेशान हूँ, ये नट बोल्ट में लगता ही नहीं। चल देखा। अबे अक्कल के दुश्मन, नट बोल्ट बड़ा पाना छोटा लगेगा कैसे, जा छत्ती से लेकर। हाँ राजा। क्या नमूने पाल रखे अन्ना ने। लो ना।
हाथ तो छोड़ो। ये क्या कर रहे राजा? मेरा हाथ तो छोड़ो राजा।